हाय फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम मुग़ल काल के टॉप 78 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि 2019 में बेस्ट मटेरियल आपको इस चैनल से मिलेगा जो अभी तक आप हर चैनल्स पे ढूंढ रहे थे। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बाबर ने किस वर्ष आक्रमण किया था। तो जो बाबर था उसने 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था इब्राहिम लोदी पर, वहीं से उसने मुग़ल काल की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुग़ल शासक कौन था। तो बाबर ही भारत में प्रथम मुग़ल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुग़ल बादशाह कौन था। तो वो भी आपका जो आंसर होगा बाबर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई थी। जो इब्राहिम लोदी था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई। पानीपत की प्रथम दो लड़ाई बाबर तथा लोदी साम्राज्य के मध्य 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, आपको याद होना चाहिए। बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे। बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी और किस भाषा में इसने लिखा था, इसने तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित में से किसका अपने समकालीन मुग़ल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है। इसमें आपको बताना है किसका मिलान गलत हुआ है। तो देखिए समकालीन के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पे जो ये आपका ऑप्शन दिया गया है, पृथ्वीराज चौहान और अकबर एक दूसरे के समकालीन नहीं थे, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो 12वीं सदी के थे, जिनका मोहम्मद गोरी से लड़ाई हुई थी, तराइन के दो युद्ध लड़े थे उन्होंने, ये अकबर से सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे पहले तोपखानों का प्रयोग किसने किया था। तो भारत में सबसे पहले तोपखानों का जो प्रयोग किया था वो बाबर ने ही किया था। कहते हैं कि जो बाबर था उसको मुबैया एक नामक पद शैली थी, उसका भी जनदाता बोला जाता है, और बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा था। खानवा के युद्ध में, अब बताइए, देखिए खानवा के युद्ध में 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने क्या किया था, राणा सांगा को पराजित कर दिया था। इसी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आता है, इसी युद्ध में बाबर ने क्या किया था, जिहाद नाम का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी 1530 ईस्वी में। कब हुई थी, 1530 ईस्वी में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। और इसे जो दफनाया गया वो कहाँ दफनाया गया था, इसे आधुनिक आरामबाग, ठीक है, नूर अफगान आरामबाग में दफनाया गया था, परंतु बाद में उसे काबुल में दफना दिया गया था। कहते हैं पुराना किला किसने बनवाया वो शेर शाह ने बनवाया था। ठीक है, पुराना किला किसने बनवाया, शेर शाह ने। 1540 ईस्वी में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था। अब ये बताइए, कन्नौज का जो युद्ध हुआ था उसमें 1540 ईस्वी में हुमायूं को हिंदुस्तान से क्या कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, वो जो है बाहर चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। तो यही क्वेश्चन सेम ऊपर वाला ही है, आंसर होगा आपका कन्नौज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद
वही रिपीट हो चुका है। ये देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो दिल्ली में हुमायूं का जो मकबरा बनवाया था वो बनवाया था हाजी बेगम ने। हाजी बेगम जो थी कौन थी? इनकी प्रिय बेगम थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? ये हो चुका है। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? जो हुमायूं का मकबरा था उसके वास्तुकार जो थे वो थे मिरक मिर्जा गियात। याद कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन आप देख लीजिए, मेधावी राजा टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी, ये आपको बताना है। तो टोडरमल ने जो है वो शेर शाह के अधीन सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर वर्ष की आयु में सम्राट बना? काफ़ी पूछा जाता है। अकबर 13 वर्ष की उम्र में सम्राट बना, 13 या 12 ऑप्शन में होता है। कलानौर में राजाभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? देखिए, जब कलानौर में, अभी पीछे सेम क्वेश्चन है तो यहाँ से ये देख लीजिए, कहाँ उसका राज्याभिषेक हुआ था? कलानौर में, 13 वर्ष की आयु में हुआ था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई लड़ी गई थी वो अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? महाभारत का फारसी में अनुवाद जो किया था वो किया बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जो जीवन कथा लिखी थी वो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल है, उसे आईने अकबरी ही बोलते हैं। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो लिखा था वो भी अबुल फजल ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो जैन विद्वान जो था वो था हरिविजय सूरी नामक एक प्रसिद्ध जैन विद्वान था जिसका अकबर बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य ये था कि विश्व बंधुत्व का उद्देश्य था उसका। हल्दीघाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? हल्दीघाटी की लड़ाई जो हुई थी वो अकबर और राणा प्रताप सिंह के मध्य हुई थी, और ये कब हुई थी? 1576 ईस्वी में हुई थी। और महाराणा प्रताप सिंह कौन थे? वो थे मेवाड़ के शासक। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो आरंभ की थी वो अकबर ने आरंभ की थी। कहते हैं कि मनसबदारी की प्रथा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी व्यवस्था का सूत्रपात किया था? तो वही सेम आंसर हो जाएगा, अकबर ने ही किया था। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी अकबर ने ही करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण कराया था? तो फतेहपुर सीकरी के जो पंचमहल का निर्माण कराया था वो भी अकबर ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में जो मोती मस्जिद जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। कहते हैं पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा और मरियम उज़ ज़मानी महल जिसे फतेहपुर सीकरी में अवस्थित हैं, जबकि मोती जो मस्जिद है वो दिल्ली तथा आगरा के लाल किले में स्थित है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? अगर कह दिया जाए कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है तो उत्तर प्रदेश में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। कह रहे बुलंद दरवाज़ा एक स्मारक है जो उत्तर प्रदेश के कहाँ स्थित है? आगरा शहर के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। अकबर द्वारा निर्मित यह स्मारक है और विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श जो करता था वो इबादत खाने में करता था। प्रयाग नगर को अलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? तो ये जो शासक था वो किसने दिया था? अकबर ने ही ऐसा किया। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? क्या पूछा गया, उसका रीजेंट कौन था? तो उसका जो रीजेंट था वो कौन था? बैरम खां। रक्षक समझ सकते हैं आप उसको। अकबर का अभिरक्षक कौन था? ये देखिए सेम वही क्वेश्चन आ गया, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त कर दिया? जजिया कर जो समाप्त कर दिया वो अकबर ने समाप्त कर दिया था। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? तो एक तिहाई। कितना निर्धारित किया गया था? एक तिहाई निर्धारित किया था। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री जो था टोडरमल था। ठीक है, टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? अकबर के। अकबर के दरबार में सबसे अधिक संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था राम तनु पांडे जी। कह रहे दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन इलाही जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? वो अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीन इलाही का सदस्य बना? तो दीन इलाही का जो सदस्य बना था वो राजा बीरबल बने थे। ठीक है, अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? इनमें से बताना है कौन सा व्यक्ति निरक्षर था। तो देखिए अकबर बिल्कुल निरक्षर था। ठीक है, कौन था? अकबर जो था वो निरक्षर था, जबकि जो जहांगीर शाहजहाँ और औरंगजेब वो शिक्षित शासक थे। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? सही जोड़ा आपको बताना है, इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? देखिए आसफ खां और अकबर ये सही जोड़ा नहीं है, आदम खां और अकबर भी सही जोड़ा नहीं है, बैरम खां और अकबर जैसे पहले पढ़ चुके हो अभिरक्षक थे तो ये सही है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? हिंदी गीतों की रचना का जो श्रेय प्राप्त है वो अकबर को ही प्राप्त है। सॉरी, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों, ये आप पढ़ चुके हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? देखिए जब ईस्ट इंडिया का गठन हुआ था 1600 ईस्वी में तो उस समय भारत का मुगल बादशाह जो था वो अकबर ही था। देख लीजिए अकबर पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा अपनाया गया सुधार उपाय नहीं है? तो अकबर ने इक्ता प्रणाली ये जो है ये इल्तुतमिश के द्वारा थी। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरित्र लिखी? अकबर के शासनकाल में तुलसी जी ने रामचरित्र लिखी। तुलसीदास ने रामचरित्र किसके शासन में लिखी? तो अकबर के शासन में लिखी। जहांगीर का अर्थ क्या है? जहांगीर का अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां जो पत्नी थी वो जहांगीर की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर और जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो अपने उच्चतम स्तर पर जो जहांगीर के समय में पहुंची।
किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था? तो तंबाकू के प्रयोग को जो निषेध कर दिया था, जहांगीर ने निषेध कर दिया था। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर शाहजहां सम्राट कहलाया। किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो आपका जो शाहजहां है, इसने ऐसा किया था, शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त अताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो ये कौन लेके गया? ये फारसी आक्रामक नादिर शाह जो था, वो लेकर चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध तख्त या ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में ये रखा गया था। मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? तो मोती मस्जिद निम्नलिखित आगरा में स्थित है। को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर दिया? किसको किसको कैद कर दिया था उसको? तो शाहजहां को। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? औरंगजेब ने क्या किया? संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है? तो जिंदा पीर के नाम से जो जाना जाता है, वो आपका औरंगजेब है। निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? औरंगजेब का उत्तराधिकारी था मुअज्जम। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? मुअज्जम। मुगल शासकों की दरबारी मतलब अदालती भाषा क्या थी? तो वो आपकी भाषा फारसी थी। लाल किले का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण जो कराया, वो किसने कराया? शाहजहां ने कराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो लंबाई चौड़ाई में जो बिल्कुल बराबर है, वो आपका ताजमहल है, ऐसा बताया जाता है। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ताजमहल जो बनवाया गया था, वो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ताजमहल के बारे में यह तथ्य सही नहीं है कि इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। मिलान आपको करना है तो ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। तो देखिए आपका आगरा का किला, अब आगरा का किला, ताजमहल और पुराना किला, जैसे ताजमहल पता है किसने बनवाया, ताजमहल किसने बनवाया था, तो इसमें लगा दीजिए। ताजमहल बनवाया था, अब आपको तो पता होना चाहिए ताजमहल किसने बनवाया था, आगरा का किला किसने बनवाया, पीछे सब पढ़ चुके हो। तो आगरा का किला अकबर ने बनाया, ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, पुराना किला शेरशाह ने बनवाया। तो अब नीचे ऑप्शन इस तरीके से लगा लीजिए। दिल्ली की जामा मस्जिद किस सदी की बनाई गई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद 17वीं सदी की बनाई गई थी। ठीक है, तो आपके 78 क्वेश्चन मुगल काल से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में किए गए हैं। और आगे इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जैसे कि आपको सभी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर एनी एग्ज़ाम। धन्यवाद।